हाल ही में प्रदर्शित हुई संजय दत्त पर आधारित फिल्म संजू वन मैन मैनी लाइव हमें बहुत कुछ सिखाती है। दोस्तों, कई बार थोड़े से समय में एक लेखक जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए ऐसा बहुत कुछ दे जाते हैं जो हमें हजारों किताबों में भी नहीं मिलता। आज मैं भी आपको इस फिल्म के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सीख, हम सभी जिंदगी में कभी ना कभी टाल मटोल करते हैं। संजय दत्त ने भी अपनी शुरुआती दिनों में ऐसे ही किया। टाल मटोल की आदत की वजह से उनका नजरिया नकारात्मक बन गया, क्योंकि उनके पिता श्री सुनील दत्त जी और माता श्रीमती नरगिस जी अपने समय के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे। तो उनका सपना भी था कि संजय दत्त एक बहुत बड़ा एक्टर बने, पर थोड़े मासूम शर्मिले होने की वजह से उनका मन शुरुआती दिनों में एक्टिंग में नहीं लगता था और वह ज्यादातर काम को टालमटोल कर दिया करते थे। दोस्तों, किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को ना करने के लिए की जाने वाली टालमटोल की वजह से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। तो आप लोग उन्हीं कार्यों को करें जिसमें आपको आनंद आए और आपको टालमटोल ना करना पड़े। दूसरी सीख, इमोशनल नेचर होने की वजह से युवा समय में संजय दत्त का कोई भी व्यक्ति फायदा उठा लेता था। उनकी कमजोरियों को जानकर उनका एक व्यक्ति ऐसा दोस्त बन गया जो उन्हें गलत संगत पर ले गया। अपने स्वार्थ और पैसे कमाने की वजह से संजय दत्त को नशे की लत लगा दी। दोस्तों, जीवन में आपकी भूमिका कोई भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि आप रोजाना किसी न किसी से मिलते जरूर होंगे और आप उन लोगों पर विश्वास करने लगते हैं। ध्यान रखें, जो व्यक्ति आपको केवल जरूरत पर ही याद करे वह मतलबी है। जो आपको गलत संगत पर ले जाए वो आपका मित्र नहीं शत्रु है। अतः ऐसे लोगों से सावधान रहे। कोई भी आपका ऐसा दोस्त जो केवल और केवल काम के लिए आपसे बात करे वह मतलबी है। ऐसे व्यक्तियों से जल्द दूरी बना लें। तीसरी सीख, संजय दत्त का एक खास दोस्त जिसका नाम कमलेश है, यह उनका ऐसा दोस्त था जिसने बिना किसी स्वार्थ के हर वक्त संजय दत्त का साथ दिया। उनको नशे की लत से बाहर लाने में उनकी बहुत मदद की। सच्चा मित्र वही होता है जो हर समय आपका ख्याल रखे, आप जब बुलाए वह दौड़ा चला आए, आपको हमेशा जिंदगी का महत्वपूर्ण अंग माने। हम ये जरूर समझते हैं कि आजकल के व्यस्त दौर में किसी के पास इतना समय नहीं है कि रोजाना दोस्तों से मिले या उनसे बातें करें। हम कम से कम हफ्ते में एक बार अपने करीब दोस्तों से जरूर मिल सकते हैं। जिंदगी में कई दोस्त बनाना आम बात है, लेकिन एक ही दोस्त से जिंदगी भर दोस्ती निभाना खास बात है। चौथी सीख, संजय दत्त के पिता एक बहुत बड़े कलाकार होने के साथ साथ एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य किया करते थे। कुछ विरोधियों को यह अच्छा नहीं लगता तो कई बार उनके घर पे उन सबको मारने की धमकी भरे फोन या खत भिजवा दिया करते थे। इन घटनाओं से संजय दत्त पर बहुत असर पड़ा और वो बहुत डर गए। अपने पिता और परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक अवैध हथियार अपने पास घर में रख लिया। दोस्तों, अगर आज हम अपने डर पर काबू नहीं पा लेते तो कल हमारा डर हम पे काबू पा लेगा। डर सदैव अज्ञानता से पैदा होता है। भय को नजदीक ना आने दो, अगर ये नजदीक आए तो इस पर हमला कर दो, यानी भय से भागो मत, इसका सामना करो। पांचवी सीख, कई बार मीडिया इंटरनेट बहुत ऐसी चीजें दिखा देते हैं जिसका कोई पूर्ण प्रमाण नहीं होता। दोस्तों, सिर्फ देखी दिखाई सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास ना करें। किसी बातों को पूरी तरह जांच पड़ताल किए बिना किसी भी निर्णय पर मत पहुंचें कि सामने वाला सही है या गलत। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, नफरत से, नजरअंदाजी से, तो कभी गलत फहमी से। छठी सीख, आज के भाग दौड़ भरे जीवन में खास तौर पर यह सीख उन लोगों के लिए है जो पैसे शान शौहरत पद के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अपने मूल्य अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं, अपने बच्चों को समय ही नहीं देते। जब बच्चों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो उनका लालन पोषण कौन करता है? उनके घर के नौकर जाकर। जैसे ही आपके बच्चे किशोर अवस्था में आ जाएं, तो सबसे पहले उनके अच्छे दोस्त बने। अगर आप अपने बच्चों के अच्छे दोस्त हैं और उनको कोई समस्या आती है तो इसके बारे में वे आपसे बात करेंगे, लेकिन अधिकतर माता पिता अपने बच्चों के बहुत खराब दोस्त होते हैं, इसलिए वे बेचारे अपने लिए दूसरे दोस्त बनाते हैं। क्योंकि उनके दोस्त भी उनकी अवस्था और मानसिकता से गुजर रहे होते हैं, इसलिए वे उनको बेतुकी सलाह दे देते हैं। बेहतर स्थिति तो यह है कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो वे आपके पास आएंगे।
लेकिन अगर आप खुद को बॉस समझते हैं तो वे आपके पास नहीं आएंगे। अगर आपको लगता है कि उनके जीवन पर आपका मालिकाना हक है, या अगर आप एक भयंकर माता पिता हैं, तो वे आपके पास कभी नहीं आएंगे। सातवीं और आखिरी सीख, संजय दत्त को नशे की लत लगना और उससे बाहर आना, फिल्मों में मन ना लगना और फिर सुपरहिट फिल्में बनाना, गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में कई बार उतार चढ़ाव देखना, कई वर्ष जेल में काटना और फिर बाहर आकर अपने सपनों को फिर से पूरा करना। दोस्तों, जिंदगी केवल मौज मस्ती का नाम नहीं है, इसमें दुख और निराशा का सामना भी करना पड़ता है। जिंदगी में ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं होता। कई बार हर चीज उलट पुलट हो जाती है, अच्छे लोगों के साथ भी बुरी घटनाएं घट जाती है। दोस्तों, हालात को चुनना तो हमेशा बस में नहीं होता, लेकिन अपना नजरिया हम हमेशा चुन सकते हैं। ये हमारा अपना चुनाव होता है कि विजेता की तरह व्यवहार करें या पराजित की तरह। हमारी किस्मत हमारी मुकाम से नहीं बल्कि मिजाज से तय होती है। इंद्रधनुष के बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की जरूरत होती है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, उसमें सुख है तो दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, उजाला है तो अंधेरा भी है।